All right, जी, once again, welcome back. वलीद मेरा जरा बस थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत शुक्रिया. मैं किरण के साथ हूँ और मैं फेरा के साथ हूँ. जी फेरा, क्या कर रहे हैं आज? अस्सलाम वालेकुम. आज हम बना रहे हैं कनौर का जबरदस्त सा डिप चिकन फ्राइड के साथ, क्रिस्पी फ्राइड चिकन के साथ. तो यहाँ पे क्रिस्पी फ्राइड चिकन हमारी रेडी है. लेट मी कीप इट ऑन फायर एंड ऑयल और मैं साथ में डिप की रेसिपी भी बताती चलती हूँ. ये हमने पहले से बना के रखी थी तो हम फ्राई इसको करने जा रहे हैं. और ये भी हमारे कनौर फ्राइड चिकन मिक्स के स्पाइस के साथ बनी है. ओके ओके, यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 कप नौर का मेयोनीज़, जो कि हेल्समैन का मेयोनीज़ है. और नौर के बारे में बताती चलूँ कि इसके सॉसेस एंड डिप्स सारे ही बहुत ज़बरदस्त होते हैं. और जब आप इनके सॉसेस को मिला के कोई डिप बनाते हैं तो आपके स्नैक्स के टेस्ट दुबाला हो जाता है, मज़ेदार हो जाता है और एक डिफरेंट टेस्ट आता है. यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप हेल्समैन का मेयोनीज़. साथ में मैं ले रही हूँ 1 कप योगर्ट ली है. इसके साथ मैं ले रही हूँ अराउंड 1/4 कप लेमन जूस. एज पर योर टेस्ट पैप्रिका पाउडर. पैप्रिका पाउडर इसलिए ले रही हूँ कि ये कलर अच्छा देता है. एज पर योर टेस्ट सॉल्ट, आप पैप्रिका पाउडर की जगह लाल मिर्च भी ले सकते हैं. एंड देन अराउंड 1/4 कप क्रश्ड गार्लिक है. इसको हम मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से. और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ड्राइड पार्सले. ये अराउंड आप 1/2 टीस्पून ले सकते हैं. ओके, इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे. ये हमारा डिप रेडी है. जब हमारे चिकन फ्राई हो जाएगी तो हम उसके साथ इसको सर्व करेंगे. ये वो डिप है जो चिकन के साथ खाया जाएगा. एग्जैक्टली. और ये नॉर मेयोनीज के साथ बनाया है मैंने. अच्छा जी, हमने नॉर मेयोनीज के साथ जो बनाया है वो डिप बनाया है. और ये अब क्या करने जा रहे हैं? ये चिकन फिले है. सही है, इसको मैंने से बहुत इजी, नौर ने आपकी ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी बड़ी आसान कर दी है. चिकन फिले है और इसमें कुछ भी नहीं करना है. नौर का क्रिस्पी फ्राइड चिकन मिक्स है. सिर्फ मैं ये स्पाइस इसमें डालूंगी और इसको 1/2 आवर मैरिनेशन के लिए रख दूंगी. इसको मैंने ये स्पाइस डाला और ये एक पैकेट स्पाइस 1 kg चिकन के लिए होता है. और इसको मैंने इस तरह से मिक्स करना है, नथिंग एल्स. अच्छा, लुक द कलर इज रियली गुड. जो कलर आ रहा है ना वो बहुत अच्छा है. इट इज़ रियली रियली वंडरफुल. तो आप ये नौर का जो क्रिस्पी स्पाइसी चिकन है ये आप खा सकते हैं. एंड इट्स रियली रियली टेम्पटिंग. इस तरह से स्पाइस को कवर कर लेगा. इसको आपने 1/2 आवर रखना है. फिले पे मैंने पहले मार्क्स कर दिए थे फोक से और ये हमारा रेडी है. दैट्स इट. हां, ऑलमोस्ट. ऑलराइट जी, थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत शुक्रिया. किरण, क्या कर रहे हैं हम? आज हम लस्सी बना रहे हैं. ओके, क्योंकि नॉर्मली हम इतने सारे ड्रिंक्स बना रहे थे, हमें थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए. हाँ, आज लस्सी बिल्कुल बनाते हैं. तो अच्छा, हमने दूध पहले ही डाला हुआ है इसमें. ओके, और इसमें हम दही ऐड करेंगे. ओके, और हम इसमें 1/2 कप दही डाल देंगे. ऑलराइट. अच्छा अच्छा, चीनी जो है अपने हिसाब से आप डाल लें. लोग डालते भी नहीं हैं, कुछ लोग डालते हैं. और इसमें हम रूह अफ़ज़ा ऐड करेंगे, हसबी ज़ायका. जी जी, डालिए प्लीज. और साथ ही हम इसमें बर्फ डाल देंगे. थोड़ी मेल्ट नहीं हुई थी. ओके, थैंक यू. झटपट वाली लस्सी छोड़ दीजिए. दैट्स इट. ऑलराइट, लीव इट. ऑलराइट जी, ये लस्सी आप घर में बना सकते हैं. विद इन 5 मिनट्स ये लस्सी जो है ये तैयार हो जाती है. एंड इट्स रियली रियली अमेजिंग, रिफ्रेशिंग एंड अमेजिंग. हियर यू गो. इसको अब आप पोर कर दीजिए. हमारे पास इसमें हम ये ग्लासेस डाल देंगे पहले. नहीं, वी डोंट नीड टू. इट्स एनफ. वी डोंट नीड टू. अच्छा, रूह अफ़ज़ा के बारे में बता देता हूँ. रूह अफ़ज़ा ताज़गी और ठंडक के लिए बेहतरीन कुदरती शरबत है और एनर्जी ड्रिंक है. सहरी में भी इस्तेमाल किया जा सकता है दही के साथ. तो हमने ये लस्सी भी इसी उसे बनाई है कि हम सहरी में भी यूज़ करें और हम इफ्तारी में भी यूज़ करें. बहुत बहुत शुक्रिया किरण, थैंक यू सो वेरी मच. जो कि रखता है 1000 लीमों की ताकत और आपके घर के जो कीमती बर्तन होते हैं उन पे बगैर स्क्रैचेस के अच्छी धुलाई करता है. यहाँ पे आपको मैं बताती चलूँ, धुलाई ज़्यादा देता है. एक ड्रॉप अगर मैं लेमन मैक्स लिक्विड लूँगी तो ये 5 ड्रॉप्स का काम देगा. यहाँ पे लेमन मिक्स लिक्विड ने मेरे घर के बर्तनों को कर दिया साफ सुथरा, चमकदार. थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया. किरण और उफेरा के लिए बहुत सारी तालियां जी. थैंक यू.